बी ए पाठ द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को मैं आज अपने YouTube व्याख्यान में जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो कवि बिहारी से संबंदित है। बिहारी के दोहों की व्याख्या में आज इनका तीसरा दोहा हम लेंगे जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। दोहा है, नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस बिन मोर, जानत हो नंदित करी यह दिस नंद किशोर। यहाँ कठिन शब्दार्थ जो इसके हैं, नाची का अर्थ यहाँ हम लेंगे नाचना से, बिनु का बिना से, पावस का वर्षा ऋतु से, हो मैं, नंदित या नंदित आनंदित करना, और नंद किशोर श्री कृष्ण। प्रसंग क्या है इसका, और शब्द हैं इसके वन में या अर्थात वन में, और मोर पक्षी, दिशी दिशा। इसका जो प्रसंग हम लेंगे कि उक्त जो दोहा है वो कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी शब्द से इसे लिया गया है, और इस दोहे में एक सखी अपनी सखी नायिका को विरह से व्याकुल अवस्था में देखकर उस नायिका को सांत्वना देना चाह रही है, लेकिन इस कारण से वह उसे वन में उस ओर ले जाना चाहती है जहां उसके प्रियतम श्री कृष्ण हैं। यह उस नायिका की सखी का कथन है। व्याख्या हम इसकी जब करते हैं तो कवि बिहारी के अनुसार सखी नायिका से कह रही है कि हे मेरी सखी नायिका, आज बिना वर्षा ऋतु के ही वन में अचानक ही मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है, और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन में घूमने के लिए न निकल पड़े हों, और क्योंकि उस श्याम वन को देखकर वन के सभी मोरों ने काले बादलों के भ्रम से ही संभवतया नाचना शुरू कर दिया है या नाच रहे हैं। वह बहुत ही आनंददायी दिशा है। यह उन मोरों का सौभाग्य है कि वे श्री कृष्ण को काले रंग के वर्षा के बादल भ्रम से मान रहे हैं, और एवं उनको देखकर उन्होंने नाचना भी शुरू कर दिया है। विशेष नायिका की सखी यह चाह रही है कि वन में श्री कृष्ण से विरह व्याकुल व्यथित जो नायिका है वो इस कारण से उन दोनों की भेंट हो जावे, और इसी कारण वह नायिका के मन को बहलाना चाह रही है। इसमें सखी के बुद्धिमती रूप का एवं सहयोग करने की कला की सुंदर व्यंजना भी यहाँ व्यंजित हुई है। साथ ही इस दोहे में नायिका की श्री कृष्ण से विरह की व्याकुलता भी स्पष्ट हो रही है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, अनुमान अलंकार है, और विमान अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि बिहारी के द्वारा किया गया है, क्योंकि बिनु पावस बिना वर्षा ही ऋतु के श्री कृष्ण को काले वर्षा के बादल माना जा रहा है, एवं अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वन में श्री कृष्ण वन विहार हेतु आ गए हैं। इन सभी कारणों में उक्त अलंकार द्रष्टव्य है। दोहा नंबर जो चार हम ले रहे हैं वह है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। कठिन शब्दार्थ जो इसके हम लेंगे दोहे के वह है कहत कहनी कहने पर, नटत मना करना, रिझत मना करने की छवि पर रिझ जाना, खीजत खीज प्रकट करना, और मिलत नेत्रों के मिलने पर, खिलत यानी मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होना। भरे यानी भरे हुए हैं, भवन का मतलब होता है भवन या महल में, करत है करते हैं नैनन ही सब बात यानी नेत्रों के माध्यम से ही बिना मुंह से बोले ही वे सारी बातें कर लेते हैं। प्रसंग इसका जब हम लेते हैं तो ये प्रस्तुत जो दोहा है ये आपके पाठ्यक्रमानुसार चौथा दोहा है, और ये कवि बिहारी की रचना है, बिहारी सबसे से इसको लिया गया है, और यहाँ इसमें कवि ने नायक और नायिका अर्थात कृष्ण और राधा इन दोनों के नेत्र संकेतों और नायिका के लज्जा आदि भावों का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्रृंगार रस के सुंदर अनुभवों की व्यंजना भी यहाँ प्रस्तुत कर दी है। व्याख्या जब हम इस दोहे की करेंगे तो इस दोहे में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायक श्री कृष्ण एवं नायिका जो राधा है वो लोगों से भरे हुए भवन महल में सबके सामने नेत्रों के संकेतों से ही बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत के अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका उसके लिए मना कर देती है और नट जाती है। नायिका के इस तरह से मना करने नट जाने की कला को देखकर नायक उस पर रिझ जाता है
है, परंतु इससे नायिका को और भी खीज होने लगती है। इस तरह आपस में संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वे आपस में प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वहां पर अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होने लगती है। यहां बांसुरी से भी इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी राधा ने चुरा ली है और श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो राधा मना कर देती है कि आपकी बांसुरी मेरे पास में नहीं है। विशेष हम इस दोहे का अगर लेते हैं तो विशेष में हम बिहारी ने अपनी समाहार शक्ति का बहुत ही शानदार परिचय दिया है और इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों, भावों, चेष्टाओं, क्रियाओं की कुशलता से व्यंजना भी उनके द्वारा की है। इससे कवि बिहारी की श्रृंगारी प्रवृत्ति का हमें पता चल जाता है। इस दोहे में विभावना अलंकार, अनुप्राश एवं दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पांचवा जो हम इसका दोहा लेते हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है वो दोहा है, नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बला, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। कठिन शब्दार्थ इसके हम लेते हैं। नेह का तात्पर्य हम यहां लेंगे स्नेह रूपी तेल, नैनन को अर्थात नेत्रों को, नकारात्मक अर्थ नहीं, और कछु यानी कुछ भी नहीं, उपजी का तात्पर्य हम यहां लेंगे उत्पन्न हुई है बड़ी यानी बड़ी आकार वाली विशाल, बलाय का अर्थ हम यहां लेंगे कष्ट, नीर भरे यानी आंसू रूपी जल से भरे रहना, और नित प्रति यानी प्रतिदिन, तव न तब भी नहीं फिर भी, प्यास बुझाए प्यास नहीं बुझती है। व्याख्या जब हम इस दोहे की करेंगे तो व्याख्या में हम ये जो दोहा है वो प्रस्तुत जो कवि बिहारी हैं उन्होंने, नायिका अपनी सखी से कह रही है कि यह प्रेम रूपी तेल नहीं अपितु मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यद्यपि इन नेत्रों से निरंतर लगातार आंसू निकलते रहते हैं और ये पानी से भरे रहते हैं, ये विरह की अवस्था का कवि बिहारी ने अपने इस दोहे में वर्णन किया है, फिर भी इनकी प्यास यानी प्रिय दर्शन की जो देखने की जो तीव्र इच्छा है वो हमेशा ही इनके इनमें बनी रहती है, अर्थात ये तरसा नहीं बुझती है। विशेष यदि हम इसका लेंगे तो विशेष में शरीर शुद्धि के लिए वैदक में पंचकर्म के अंतर्गत रोगी को घी या तेल पिलाया जाता है और यदि इसके पीने में कुछ व्यतिक्रम हो जाता है तो उल्टी वमन हो जाता है, रोगी को उल्टी वमन हो जाता है, तो रोगी को यहाँ उल्टी वमन होने के तत्पश्चात क्या लगती है, प्यास लगती है। यहाँ तब उसका पेट पानी से भरा रहने पर भी प्यास बनी रहती है और यह बात नायिका ने अपने नेत्रों के विषय में कही है। यहाँ नायक कौन है, श्री कृष्ण, और वह गत्यात्मक रूप में है, गतिमान है, अतः उसका एक दर्शन करना असंभव है। इस कारण नायिका के नेत्रों को प्रिय दर्शन अर्थात श्री कृष्ण जो उसका नायक है के दर्शनों की प्यास वो शांत नहीं हो पाती है, जितना भी वो उनको देखती है उतनी वो प्यास बढ़ती जाती है। और इसमें विशेषोक्ति का प्रयोग हम कह सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने इसमें किया है और साथ ही उपजी बड़ी बला है, नए वर्ण की बार बार आवर्ती का होना इसके उचित प्रमाण माने जा सकते हैं, और ई वर्ण बलाई व बुझाई में अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। अब बिहारी के जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो दोहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा दोहा, ये आज अपने इस YouTube व्याख्यान में आप लोगों को बताया गया, और जो कुछ भी आपको YouTube व्याख्यान के अंतर्गत बताया जाता है उसको थोड़ा सा आप याद जरूर रखें क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं, और परीक्षा में ये आपके जो कठिन शब्दार्थ और जो व्याख्या आपको जिस तरीके से बताई जा रही है, जो विशेष आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये आपके लिए बहु उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।